हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुले। ये आटे के बनते हैं और इसमें हम लोग गुड़ का यूज़ करते हैं। गुड़ की जगह अगर आप चाहें तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, और इसको कुछ लोग पुआ भी बोलते हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये गुड़ ले लिया है। मेरे पास ये गुड़ पाउडर था, तो ये वो है। आपके पास अगर जो हार्ड गुड़ होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दीजिए, बिकॉज़ हमें इसका पानी यूज़ करना है, लाइक इसको घोल के तब इसका यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने गुड़ पाउडर ले लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे और गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए, गुड़ पाउडर बहुत अच्छे से घुल गया है इसमें पानी में। अब इस पानी का यूज़ करके हम इसका डो बनाएंगे। तो ये पानी लेते हैं और ये है आटा। मैंने एक कटोरी ये आटा लिया है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम घोल बना लेंगे। और हमें ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ज़्यादा एकदम बहुत हार्ड भी नहीं करना और बहुत एकदम थिन भी नहीं करना, पतला नहीं करना। तो बस हम इसको घोल पे ऐसे मिला मिला के इसका एक घोल बना लेंगे। ये देखिए, गुड़ के पानी से मैंने इसको घोल लिया था और हमारा ये बैटर एकदम रेडी है। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना एकदम पतला है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी, ये ग्रेट करी थी नारियल है, ये जो सूखा वाला नारियल होता है, गोला उसको बोलते हैं, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो ये जो सूखा वाला नारियल था इसको मैंने ग्रेट करा था, तो उसको डाल देंगे। साथ में अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं स्किप कर रही हूँ। इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमारा बैटर रेडी है। तो गुलगुले बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल है, ये गर्म हो रहा है, इसमें हम उनको सेकेंगे। तो इसको गर्म हो जाने देते हैं। और मेरे पास इलायची पाउडर था नहीं, तो मैंने जो ग्रीन इलायची होती है उसका जो काला वाला पार्ट होता है उसको निकाल के पीस लिया है। तो ये वाला इलायची पाउडर मैं यूज़ कर ले रही हूँ। और गुलगुले जस्ट बनाने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा ये सोडा डाल रही हूँ। ये डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर गुलगुले बनाते हैं। ऑयल एकदम गर्म हो गया है, गुलगुले बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं चम्मच से धीरे धीरे डाल रही हूँ। अगर आप किसी और से डालना चाहें, लाइक बड़े चमचे से या किसी से भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप डायरेक्ट उसको टपकाना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग हाथ से भी कर लेते हैं। मैं स्पून से करती हूँ तो इससे सही रहता है। और ये धीरे धीरे सेकेंगे हम इनको, लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे, एकदम हाई फ्लेम में नहीं। और इसको ऐसे कर करके आप जितना ऑयल हो उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। धीरे धीरे मैंने थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे इस ऑयल में, और फिर इनको हम सिकने देंगे। और देखिए, एक स्लॉट बन गया था, ये मैं दूसरा स्लॉट बना रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे डाल के हम इसको आराम से सेक लेंगे। दोनों साइड पलट पलट के सेक लेना है और इसको निकाल लेना है। ऐसे ही आप सारे जितना भी बैटर है आप उसको यूज करके बना सकते हैं। और अनदर स्पॉट बन रहा है, धीरे धीरे करके काफ़ी बन गया था, बैटर अच्छा खासा था। ये देखिए, इतने सारे बन गए और सारे बहुत अच्छे
ये देखिए हमारे पुआ रेडी हैं, इनको हम गुलगुले कहते हैं। ये एकदम रेडी हैं, आप इनको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये आटे और गुड़ के हैं और इसमें हमने ड्राई फ्रूट में जो नारियल होता है उसको डाला है, तो ये हेल्दी भी है काफ़ी। आप इनको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।